नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं HDPE काड़े वाली जो पाइप है यहां पहुंचे हैं। और यहां आपको मैं काड़े वाली पाइप से संबंधित अगर आप खेतों में दबाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इसमें मैं आपको वो सारी जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा जो आपको चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पानी ले जाने के लिए पाइपों की ज़रूरत पड़ती है या लपेटा पाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो लपेटा पाइप थोड़ी कॉस्टली होती है, सस्ती होती है, लेकिन वो क्या है कि हमें कॉस्टली पड़ जाती है, वो बारी बारी लेनी पड़ती है, फट जाती हैं, तो लपेटा पाइप का बहुत झंझट रहता है। इसलिए आजकल किसान के अंडरग्राउंड ज़मीन में पाइप दबाने किसानों ने शुरू कर दी है। और यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं शानदार जो काले रंग की जो पाइपें हैं वो बनी पड़ी हैं। और काले रंग के अलावा आप अगर इस तरह से दूसरी पाइपें बनवानी चाहें तो भी यहाँ आप बनवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को आप देखें पूरा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हमें इस वीडियो में जो कमियां रही हैं उस कमियों पे हम सुधार कर सकें। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये काले रंग वाली जो पाइपें हैं वो बनती कैसे हैं। तो मैं फैक्ट्री में पहुँच चुका हूँ, थोड़ा अंधेरा है, लाइट ऑन कर लेते हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ काले रंग का जो दाना है वो है, और ये इस तरह से जो काले रंग का मटीरियल इसकी भी काले रंग वाले की जो पाइप बन रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वो मटीरियल है जिसकी यहाँ पाइप बनती है। इसको पहले काट के छोटा कर दिया जाता है, मटेरियल बन जाता है। इस रॉ मटेरियल को वहाँ इसमें कलर दे दिया जाता है, जिस कलर की हमें पाइप बनानी होती है वो कलर हम यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं। और ये ब्लैक कलर बना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काले रंग का कलर है, जिससे हम ये इससे कलर चढ़ाने का काम करते हैं। और इस पाइप में शाइनिंग देने के लिए, चमक देने के लिए, ये अभी आप देख पा रहे हैं काले रंग का दाना, इसे हम प्रयोग में लेते हैं। अभी जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं काले रंग का दाना, इसे हम इस पाइप में चमक और शाइनिंग देने के लिए काम में लेते हैं। दाना डाला जा रहा है, जो कचरा है प्लास्टिक का, जो कचरा है उसकी गोटियां बना के उसका दाना बनाया जा रहा है, वो यहाँ डाला जा रहा है। और इसके बाद यहाँ ये जनरेटर हीटर लगे हुए हैं, यहाँ हीटर के माध्यम से इसको पिघलाया जा रहा है, और पिघलाने के बाद हम इसे प्रयोग में ले रहे हैं। और आगे जहाँ पाइप बन रही है मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक पाइप आगे निकल रही है, और इस पाइप को ठंडा करने के लिए यहाँ से पानी आ रहा है, ऊपर से दो जगह इसमें पानी आ रहा है, दो जगह। और इस पाइप को जो फुलाने का काम कर रही है वो ये प्लास्टिक की टंकी कर रही है। इस प्लास्टिक की पाइप को जो फुलाने का काम कर रही है ये एयर टंकी है, जो आपने अक्सर टायर पंचरों वालों के पास ये देखी है। यहाँ से इसमें हवा भरी जा रही है, और हवा भरने के बाद इस सिस्टम में हवा दे दी जाती है ताकि ये पाइप फूल सके। प्लास्टिक को पीछे से पिघलाने के बाद इसमें हवा दे दी जाती है ताकि ये फूल सके, और फूलने पे एक पाइप का आकार ले सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये धीरे धीरे यहाँ चल रही है।
यहाँ पाइप बनाई जा रही है कि आप किसी भी प्रकार की पाइप है वो बना सकते हैं HDPE, और जितनी लंबी आकार में रखना चाहें उतना लंबा आकार रख सकते हैं। जैसे अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तकरीबन ये 100 फीट के आसपास लंबी पाइप बन रही है। जितनी हम लंबी रखनी चाहें उतनी लंबी रख सकते हैं, हम इसका रोल बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी होने पे ट्रांसपोर्ट के समय दिक्कत होती है। जैसे आप अभी ये वीडियो में देख पा रहे हैं रोल बना हुआ है, इस तरह से हम इस पाइप का भी एक रोल बना सकते हैं और एक लंबी आकार में ले जा सकते हैं। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबी पाइप है, और फिर इसको काट दिया जाएगा साइज़ के अनुसार। तो आगे आप यहाँ देख पा रहे हैं क्लंप के माध्यम से इसमें इसको रोका हुआ है, इसको मैं क्लंप कर दिया है ताकि जो हवा है वो बाहर ना निकल सके, इसलिए हवा बाहर ना निकल सके इसलिए यहाँ इसको क्लंप के माध्यम से रोक दिया गया है ताकि पूरी पाइप में हवा का प्रेशर बना रह सके। अगर प्रेशर लीकेज हो गया तो ये पाइप नहीं बन सकती है, यानी कि इस पाइप में अगर कहीं कोई सुराख हुआ तो ये पीछे पाइप नहीं बनेगी, हवा यहाँ से निकल जाएगी। तो ये कन्फर्म रहता है कि इस पाइप में कहीं कोई हवा निकलने की चांसेस नहीं है। हवा नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है पानी भी नहीं निकल सकता, इसलिए लंबे समय तक हम इसे उपयोग में ले सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बाज़ार में सबसे सस्ती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पाइप धीरे धीरे आगे चल रही है, और पाइप की जो लंबाई है वो भी काफ़ी लंबाई है, जिस साइज़ में हम रखना चाहें उस साइज़ में रख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री में मशीन लगी हुई काफ़ी दूर पे है और इतनी लंबाई तक ही है। तो एवरेज क्या है कि 8 इंच से जो छोटी पाइप है उसे हमें 40 फीट तक काट सकते हैं, और 8 इंच से अगर बड़ी हमारी पाइप है तो उसे हमें 20 फीट तक ही लगभग एवरेज काट लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इन पाइपों का जो रेट रहेगा वो क्या कुछ रहेगा। तो पाइप का जो रेट रहेगा वो ये वज़न पर निर्भर करता है कि इनका वज़न कितना है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ये, तो ये 8 इंची पाइपलाइन है, 8 इंची, इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंची है। इसका एक किलो का वज़न रहेगा, उसका जो रेट रहेगा वो रहेगा 75 रुपये। इसको तोला जाएगा, तोलने के बाद जो इस पाइप की जो लेंथ है वो 30 फीट लंबी है या 40 फीट लंबी है, उस लेंथ को वज़न किया जाएगा, और वज़न करने के बाद इस पर 75 रुपये प्रति किलो के अनुसार रुपये लिए जाएंगे। आप इसकी ये मोटाई है वो कम रख सकते हैं, या इस तरह से इसकी मोटाई है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये लंबाई पे इसका जो रेट है वो निर्भर नहीं करता है, इसका जो रेट है वो निर्भर करता है इसकी मोटाई पे और वज़न पे। तो 1 किलो का जो वज़न है वो 75 रुपये किलो है, और इस तरह से अगर आप ये 8 इंची पाइप है, इस तरह से अगर आप 4 इंची पाइप लेना चाहें, यानी कि इतनी पाइप लेना चाहें, उसका जो रेट रहेगा वो रहेगा 85 रुपये किलो। 4 इंची से बड़ी पाइप, 5 इंची, 6 इंची, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इंची तक की अगर आप पाइप लेते हैं तो उसका जो रेट रहेगा वो 75 रुपये किलो रहेगा। मात्र एक 4 इंची पाइपलाइन का जो रेट रहेगा वो 85 रुपये रहेगा। जैसे आप इस तरफ देख पा रहे हैं ये 5 इंची पाइपलाइन है, पाइपें बनाई हैं वो 5 इंची हैं, आगे हैं वो 4 इंची हैं, तो इनका जो रेट है वो अलग अलग हो गया। ये 5 इंची आप देख पा रहे हैं ये 75 रुपये किलो है, और ये अगर आप 4 इंची देख पा रहे हैं तो ये 85 रुपये किलो हो गया। तो जो भाई इस तरह की पाइप लेना चाहें तो वो जाहिर सी बात है कि इस तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से खड़ियाँ भी पटवा के दबवाना भी उचित समझेंगे, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो दबने के बाद ही है। तो ये जो इस मशीन का जो पाइपलाइन के लिए खड़ी निर्माण करने का जो रेट रहेगा वो 3500 रुपये से लेके 5 इंची तक रहेगा। 3500 रुपये में ये जो पतली साइज़ की रहेगी और 3 फीट गहराई, 1 मुरबा लंबी अगर आप खड़ी बनाते हैं तो उसका रेट रहेगा। अगर आप इसका गहराई ज़्यादा कर देते हैं तो रेट आपका बढ़ जाएगा, या इसकी जो चौड़ाई है जैसे 8 इंची से
ज़्यादा हुई, 10 इंची हुई, 12 इंची हुई, 16 इंची हुई, तो जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी रेट भी बढ़ता रहेगा। और गहराई और मोटाई दोनों पे इसका जो रेट है वो निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मुरब्बा का जो रेट है वो 3500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक है। जो सबसे कम खाड़ी, साधारण जो खाड़ी हम यूज़ में लेते हैं, वो 3500 रुपये इसका रेट रहेगा। अब हमने आपको इनका जो पाइपों का जो रेट है वो तो हमने बताया, लेकिन पाइप की जो फिटिंग का रहेगा वो लेबर कॉस्ट क्या रहेगी हमारी, पर नक्के का क्या कुछ रहेगा, तो वो रेट भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में लिखा हुआ है ताकि हर ग्राहक को दिक्कत ना हो एक अपना एवरेज अंदाज़ा लगाने के लिए। तो यहाँ प्लम्बर जो लेगा आपसे, जो पैसा लेगा प्लम्बर जॉइंट लेबर, जॉइंट लेबर में यह है कि आप अगर एक मुरब्बा लंबी पाइप लगवाते हैं तो आपके 1000 रुपये प्लम्बर मिस्त्री ले जाएगा आपसे। आपकी लेबर है वो अलग रहेगी, जो मिस्त्री की मजदूरी है वो ही है। और एक नक्का लगाने की जो लेबर है वो 200 रुपये आपकी प्रति नक्का रहेगी। अगर दो पाइपलाइन का जोड़ लगवाना है तो कनेक्शन का जो रहेगा वो 400 रुपये प्रति कनेक्शन रहेगा। ये प्लम्बर के मिस्त्री का रेट है। अब आपके नक्के दो हैं, चार हैं, आठ हैं, दस हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वो लंबाई है, एक मुरब्बा लंबी, यानी कि 165 फीट लंबा इंटू पाँच एक मुरब्बा होता है। 165 फीट गुणा पाँच कर लें, उसकी जो लंबाई है वो एक मुरब्बे के बराबर होगी। तो ये लेबर कॉस्ट आप है निकाल लेना। और खेत में पाइपलाइन लगाने के लिए या फिटिंग का काम करवाने के लिए सिलेंडर, एक सिलेंडर की आपको आवश्यकता रहेगी, और 4 से 5 मजदूरों की व्यवस्था रखें आप है, अगर आप ये इस तरह से काली वाली पाइपलाइन की अपने खेत में फिटिंग करवाते हैं। तो हमने काली वाली पाइपलाइन की फिटिंग का बढ़ने का 2 इंची 3 इंची की भी पहले हमने अपने चैनल पर वीडियो डाली है, जो काफ़ी लोगों ने देखा है और पसंद किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। और इस तरह से आपकी कमेंट थे कि ये फैक्ट्री कहाँ है, हमें पूरा प्रॉपर एड्रेस दें, उनका रेट बताएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेट बता दिया है। पाइप की मोटाई और लंबाई पे रेट निर्भर नहीं करता है, रेट निर्भर करता है पाइप के वज़न पे, कि पाइप का वज़न कितना है। 1 किलो वज़न रहेगा इस पाइप का तो 75 रुपये रेट रहेगा। अगर पाइप हमारी 5 इंची से बड़ी है तो, अगर हमारी पाइप 4 इंची है तो 85 रुपये रहेगा, और 4 इंची से अगर छोटी हैं तो वो इस फैक्ट्री में नहीं बन रही हैं, इसलिए मैं आपको ये रेट यहाँ का नहीं बता पाऊँगा। बाकी आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, हर संभव आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सतगुरु पाइप फैक्ट्री है, जो इसका एड्रेस है वो सूरतगढ़ मानकसर के बीच में है, गंगानगर राजस्थान में। और कॉन्टेक्ट नंबर आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे। जो भाई ज़्यादा जानकारी लेना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं, बाकी खरीदने वाले किसान हैं वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए किसान भाइयों से ये कहूँगा कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित समय रहते महत्वपूर्ण वीडियो आपको अपने फ़ोन में मिलते रहें। तो कैमरे की तीसरी आंख से जो भाई वीडियो देख रहे हैं, भाई लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूं, और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।